हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीखे सब कुछ पर। तो फिर से एक नए वीडियो ट्यूटोरियल के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि इस तरह के इमेजेस को इस तरीके के फ्लैट बैकग्राउंड में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आप कोई बैनर क्रिएट कर रहे हैं या कोई थंबनेल बनाते हैं या वेबसाइट के लिए आप कोई बैकग्राउंड ढूंढ रहे हैं, तो आप खुद से ही किसी भी फोटो को इस तरह के बैकग्राउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं किसी भी इमेजेस को इस तरीके के फ्लैट बैकग्राउंड में कैसे चेंज करते हैं। फ्रेंड्स, जब किसी इमेज को एक्स्ट्रा ब्लर कर देते हैं तो कोई भी फोटो अपने आप ही इस तरह के बैकग्राउंड में कन्वर्ट हो जाती है। तो चलिए सीखते हैं हम इस तरीके से फोटो को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ से इस इमेज पर जाता हूँ और यहाँ से हम जाएंगे फिल्टर में और यहाँ से जाएंगे ब्लर और यहाँ से गॉशियन ब्लर, इस पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ से अब इस रेडियस को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरीके से। जहाँ आपको सुटेबल लगे आप वहाँ पर इसको छोड़ दें इस तरीके से और फिर इसके बाद इसको ओके कर दें। तो ये देखिए एक मिनट से कम समय में आपकी इमेजेस फ्लैट बैकग्राउंड में कन्वर्ट हो गई। आपने कई इमेजेस को देखा होगा जिसके बैकग्राउंड में मल्टी कलर होते हैं, तो उसके लिए आप मल्टी कलर वाली इमेजेस को लें। मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पर एक इमेज को रखा है। अब देखिए अब हम इसे कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए फिर से फिल्टर पर जाएंगे, ब्लर, गॉशियन ब्लर और ये देखे ये मुझे मल्टी कलर में मिल गई। तो इस तरीके से आप अपनी किसी भी इमेजेस को फ्लैट बैकग्राउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड इमेजेस को बैनर में, पोस्टर में या किसी थंबनेल वेबसाइट के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ अब आपको बैकग्राउंड के लिए इमेजेस को वेबसाइट पर ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। तो अपने डिजाइनिंग में इस तरह की टेक्निक को यूज करें, आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही। तो फ्रेंड्स, यदि आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।